अच्छा स्वामी जी, बच्चा ऑलराउंडर बने इसके लिए हाइट के साथ साथ दिमाग का तेज होना भी, कॉन्सेंट्रेशन का शानदार होना भी जरूरी है, और वो योग से कैसे मुमकिन होगा ये भी बताइए। एक बच्ची आपके बराबर में बैठी है, तो इस बच्ची का ब्रेन शार्प हो, इसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो, हाइट तो ये इंसुलिन कितना था बेटा आपका? मेरा 20 इंसुलिन ले रही थी, अब पूरा बंद हो गया इसका। अब देखो, अब अपने ब्रेन को भी अच्छा करने के लिए मंडूकासन, शशकासन के लिए करो बेटा, दोनों हाथ ऊपर, मंडूकासन और शशकासन, ये ब्रेन के लिए, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छे हैं, और ब्रेन का एक्सप्रेशन पूरा हो। अब देखिए, हम अपने ब्रेन को 5-7% ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। जितने भी बड़े बड़े आइंस्टीन, न्यूटन, पतंजलि से लेकर भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ऐसे देखो अवतारी पुरुषों के बारे में हम ज़्यादा तो कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा बोला जाता है, विज्ञान का जो अभी तक का निष्कर्ष है, 5-8% तक मैक्सिमम लोगों का माना गया है कि ब्रेन का एक्सप्रेशन हुआ है। योग करने से, प्राणायाम से, ध्यान से, शीर्षासन, सर्वांगासन से, ये शशकासन आदि, शशकासन और पद्मासन में बैठ जाओ, पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन, ये हमारे ब्रेन का एक्सप्रेशन पूरा करते हैं। और अब 10% तक, इससे ज़्यादा तो मैं बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, और बिना एविडेंस के मैं कोई बात कहता नहीं। तो मेधावटी ले लें, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान, ज्योतिषमती, वचा, मीठी, इनका एक्सट्रैक्ट निकाल के हम मेधावटी बनाते हैं। मेधावटी ले लें अथवा इन सब चीज़ों के पाउडर ले लें, गाय का दूध पिए और गाय का घी खाएं, अथवा बादाम रोगन 1-2 चम्मच रात को ले लें, ये मेमोरी को शार्प करने के लिए बेस्ट है। वैसे तो हमने सारस्वतारिष्ट से लेकर के अश्वगंधारिष्ट से लेकर के न्यूरोग्रिष्ट से लेकर के बहुत कुछ तैयार किया, वापस आ जाए। और इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम बड़ा ज़बरदस्त है, अनुलोम विलोम फिर से करें सब, ये मेमोरी के लिए बेस्ट होता है, बेस्ट। और ओंकार ध्यान, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरे नम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के साथ, एक बार गायत्री मंत्र बोला तो श्वास लिया, एक बार बोला तो छोड़ा, और बच्चे तो बीच में रोक भी सकते हैं, तो एक बार लिया तब एक बार गायत्री मंत्र बोला, फिर अंदर भर के रखा, एक बार गायत्री मंत्र का जप किया, चैंटिंग किया, फिर एक बार छोड़ते समय चैंटिंग किया, ऐसे ओंकार के, गायत्री के, चैंटिंग के साथ, जप के साथ, ये तो एक